आज हम गुजिया बनाएंगे या करंजी बोलते हैं, करंजी बनाएंगे। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है और थोड़ा सा नमक डाला हूँ चुटकी भर, और हम इसमें घी डालेंगे, 4-5 चम्मच घी डालेंगे। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैदा अच्छे से बाइंड कर लेंगे, उसको एक चीप कर लेंगे। थोड़े दाने में हम पूरा मिक्स कर देंगे आटे में मैदा के, उसको और फिर पानी डाल के अच्छे से मीडियम और सॉफ्ट आटा गूंदना है। हमारा बन रहा है, ऐसे चेक करके देख लीजिए, देख सकते हैं मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है, ज्यादा हार्ड भी नहीं ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, अच्छे से आटा गूंद लिया। अभी इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, फिर मिलते हैं। मैंने गैस ऑन किया हूँ और उस पर कढ़ाई रखा हूँ, घी डाला हूँ 2 चम्मच और सूजी डालेंगे हम करंजी का सारण बना दें, जो गुजिया बोलते हैं गुजिया के अंदर को डालते हैं उसको सारण बोलते हैं महाराष्ट्र पद्धति से, तो करंजी बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में। तो मैंने सूजी डाला हूँ, उसका अच्छे से खुशबू आने तक भून देंगे। सूजी अच्छा भून गया, मैं सूजी निकाल लिया हूँ। अभी मैं नारियल डाल दी, नारियल का पाउडर, नारियल को भी हम अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे नारियल को। थोड़ा सा घी डालेंगे, खस डालेंगे, इसको हम अच्छे से बहुत अच्छा खस डालेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा लाइट कलर आएगा अच्छे से निकाल देंगे। 1 मिनट के लिए भून देंगे और मैंने चीनी पीस के उसमें इलायची डाल के पीस लिया हूँ, वो ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आपको जो चाहिए वो डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम का पाउडर है, मैं बादाम का पाउडर डालूँगी, किशमिश डाल सकते हो और काजू भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं ये निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने नारियल अच्छे से भून के निकाल लिया है और अभी हम सूजी भी भून लिया था, वो ऐड कर देंगे। सूजी डाला हूँ मैं नारियल में, दोनों अच्छे से भुना था। तो अब हम इसमें पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे,
तीन से चार चम्मच। आपको ज़्यादा मीठा है कैसा है खाने तो नॉर्मल। दो कटोरी, एक कटोरी नारियल पाउडर था और सूजी था, तो चार से पांच चम्मच बस हो जाएगा अपने को। तो अब हम इसमें सारण में गुजिया में भरेंगे, करंजी में ये सारण हम भर देंगे। मैंने ऐसे गोल पूरी बना लिया हूँ, अब इसमें हम वो ये भरेंगे, मिक्सचर भरेंगे जो सारण बनाया है वो, कितना फूल करते हैं उसके ऊपर। और फिर इसको हम ऐसे पलटी करेंगे, ऐसे दबा लेंगे साइड साइड से ऐसे ऐसे। और फिर आपके पास फोक होगा या कोई चम्मच होगा उससे आप ऐसे दबा लेंगे। मेरे पास चम्मच है तो मैं ये चम्मच से दबा रही हूँ। डिजाइन भी हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा का है वो हटा देंगे। देख सकते हैं बन गया करंजी। तो आपको और ये लग रहा होगा कि नहीं ये टूट जाएगा, फिर पीछे से भी आप ऐसे कर सकते हैं। एक चम्मच से आप बहुत अच्छे सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। देखिए बन गया। अब मैं सब बना लेती हूँ, उसके बाद आपको फ्राई करते टाइम दिखाती हूँ। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया हूँ और अब हमारी गुजिया करंजी तेल में डालेंगे। उसको हॉट ऑयल में डालना और मीडियम ऑयल पे फ्राई करना है, मीडियम एकदम लो पे हम अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। देखते हैं, चलिए हम फ्राई करते हैं उसको धीमे आंच पे। देख सकते हैं मैं मीडियम आंच पे उसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर रहा हूँ। लाइट लाइट गोल्डन हो रहा है। देख सकते हैं आप।